हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। आज शिवरात्रि है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू कर दिया, पोछा कर दिया, अब मैं जा रही हूँ नहाने, दैन फिर हम मंदिर जाएंगे। तो ये ब्लॉग पूरा आज का व्रत का रहेगा कि कैसे, मतलब मेरा आज का पूरा दिन निकला फास्ट का। तो आप मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। अभी मैं जा रही हूँ वान्या को नहलाने। वान्या उठ जाओ बच्चा, तो उसको नहलाऊंगी, देन फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद हम रेडी होंगे मंदिर जाने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। तो गाइस, घर की पूजा हमारी हो गई है और अभी सारी तैयारी भी हो गई मंदिर में जाने की। जो है वो जाना है अभी, बस थोड़ा दूध का इंतज़ार कर रही हूँ। दूध वाले भी आ जाएंगे तो उसे दूध लेना है, और उसके बाद फिर जाएंगे हम मंदिर। और वान्या भी रेडी हो गई है, घर में हमने ऑलमोस्ट पूजा कर ली है। और जो मेरे नेबर हैं जिनके साथ मुझे जाना है, वो भी अभी तैयार हो गए हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद मंदिर निकलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जल में से चढ़ाओ, सुन नहीं रही लड़की। चलो गाना। तो गाइस, पूजा हो गई है और अब हम घर जा रहे हैं, है ना वान्या? घर जा रहे हैं? हाँ। पूजा कर ली? पूजा कर ली मैंने। अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके फिर देखेंगे कि अभी ब्रेकफास्ट में तो वैसा कुछ नहीं, फास्ट है, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो गाइस, फाइनली मंदिर से तो हम आ गए, पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि चाय सुबह सुबह हैबिट हो जाती है। अभी मुझे चाय अभी तक मिली नहीं, 10 बज गए हैं। और जा रही हूँ मखाने और ये मूंगफली फ्राई करने चाय के साथ। उसके बाद दोपहर में मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, कुछ व्रत का ही बनाना पड़ेगा। चलिए आप मेरे साथ, आप भी ये खाइए मखाने और ये भी। तो अभी मैं फिलहाल ये बनाने जा रही हूँ। तो गाइज, ये रही मेरे मूंगफली और मखाने, मैंने फ्राई कर लिए हैं घी में, और ये मेरी चाय। तो अब मैं जा रही हूँ इनको, अभी मैं चाय लूँगी और इनके साथ मूंगफली और मखाने लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ साबुदाना भी भिगो दिया है और अभी दोपहर में मैं इसकी खिचड़ी बनाऊँगी। तो दोपहर का भी हो गया मेरा, लंच तक हो जाएगा। अभी देखते हैं डिनर का क्या है, फ्रूट्स तो है ही। तो गाइस, अब जो है मेरा लंच बन गया है। मैंने ये बनाया है साबूदाने की खिचड़ी, ये रही। और वान्या के लिए दो रोटी और थोड़े से चावल और सब्जी। तो वो देखते कितना खाती है, क्योंकि बच्चों के तो नाटक ही रहते हैं खाने में। तो उसको आलू अलग से मैंने निकाले हैं, गोभी और आलू में से आलू अलग से निकाले और राइस बनाया है। तो थोड़ा सा खा लेगी, उसके बाद ये मेरा है। तो यहाँ तक तो मेरा भी लंच का है, फिर डिनर का तो मेरा कन्फर्म नहीं है। शाम को चाय पीनी है, अगेन चाय के साथ मुझे मखाने और मूँगफली ही लूँगी, क्योंकि वही ठीक रहता है। और फ्रूट्स भी हैं तो फ्रूट्स भी खाएंगे। तो उसके बाद डिनर में देखूँगी, तो मैं सोच रही थी खीर वीर बनेगी, साबुदाने की खीर या यही सब होगा, तो वही खाएंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है, थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रही है आपको, ये जो है ना फ्लाइट्स और ये प्लेन वगैरह यहाँ से जाते हैं तो बहुत आवाज़ आता है, तो इस साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि, आप सबका व्रत बहुत अच्छा हो, भगवान आप सबकी इच्छाओं को पूरी करे।
चलिए अब आप इंतजार करिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. बाय.